हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो फ्रिज देख रहे हैं, इसमें एक प्रॉब्लम आ गया था। इसमें क्या होता था कि ये 10-15 मिनट चल करके ये ऑफ हो जाता था, और ऑफ होने के बाद ये वापस 2 या 4 मिनट के बाद ऑन होता था, और फिर से 45 सेकंड के लिए ट्रिप हो जाता था। हर 45 सेकंड पे ट्रिप हो जाता था। मतलब क्या था कि इसमें इसके कंप्रेसर में पावर सप्लाई जाता था, लेकिन वो बहुत जल्द ट्रिप हो जाता था। तो हमने सबसे पहले इसका थर्मोस्टेट चेक किया, इसका थर्मोस्टेट हमने चेक किया, तो थर्मोस्टेट हमने देखा कि सही है। उसके बाद हमने इसका बायोमीटर भी चेक किया और इसका हीटर चेक किया, वो भी सही रहा। उसके बाद इसका टाइमर जो इसके पीछे लगा हुआ है, ये देखिए इसका टाइमर है, इसे भी हमने चेक किया, ये भी सही रहा, क्योंकि इसका जो काम है वो हीटर को और कंप्रेसर को जो पावर सप्लाई देना, वो भी सही सप्लाई देना था। ये कभी इमेज के जरिए हम दिखाते हैं इसका, और एक वीडियो के जरिए हम दिखाते हैं, इसका मोटर भी सही चल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम होने के बाद हमने इसके ऑयल पी को, ये देखिए ऑयल पी को हमने देखा, उसके बाद फिर उसको चेक किया। अब यह मैं ऑयल पी चेक करके भी दिखा देता हूँ, उसका पूरा कंडीशन देख लीजिए। ये जो ऑयल पी है, ये अभी भी सही बता रहा है। ये देखिए हम चेक कर देते हैं, हमने इसे माइनस टच कर रखा है और इसका प्लस यहाँ पे टच कर रहा है, ऑयल पी सही बता रहा है अभी भी। पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या है वो देखिए आपको शो कर देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं हाफ सर्किट टाइप से, ये गड्ढा टाइप से हो गया है। इसमें हुआ क्या है, ओवर हीटिंग की वजह से या कोई भी प्रॉब्लम से इसका जो कॉयल अंदर में रहता है वो कमज़ोर पड़ गया है, और इसकी कैपेसिटी जो है कम हो गई है, और उसकी वजह से जो है ये रेगुलर जो है नहीं इसको लोड दे पा रहा है, और हल्का सा हीट होने के बाद ही तुरंत ट्रिप कर जा रहा है। तो इस वजह से ये OLP नहीं चल पा रहा। वैसे भी इस OLP का काम क्या है, ये OLP कंप्रेसर को ओवरलोड होने से बचाएगा। कंप्रेसर जब ओवरलोड होगा तो ये पावर सप्लाई को ट्रिप कर देगा। ये जो है कॉमन सप्लाई को ट्रिप कर देता है, और इसे ओवरलोड प्रोटेक्शन हो जाता है और कंप्रेसर बंद हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा क्रिटिकल कंडीशन था कि आप डिटरमाइन नहीं कर पाते कि ओवरलोड खराब है या फिर कोई और पार्ट्स खराब है, क्योंकि ये अपना काम बिल्कुल सही कर रहा था। जैसे कि इसका काम है कि ये ओवरलोड होके हीट हो जाएगा, फिर ये ट्रिप कर देगा, फिर ठंडा होने पे पावर सप्लाई ये अपना ऑन कर देगा सर्किट। ये हमने चेक भी किया था तो सही बता रहा था, अभी भी आप देखें जो भी इसको चेक किए थे इसमें भी सही बता रहा था। तो इस कंडीशन में आपको इसको बदल के देख ही लेना पड़ेगा कि एक बार सही है या नहीं है। इसके बाद मैंने इस कंप्रेसर को डायरेक्ट करके भी देखा। डायरेक्ट करने के लिए मैंने इसके रिले को वहीं पे लगा छोड़ दिया, और इसका जो ऑयल पी है उसको वहाँ से हटा करके डायरेक्ट कर दिए। तो हम देखे कि इसका कंप्रेसर अच्छी तरह से वर्क कर रहा है और लगभग 30 मिनट तक रेगुलर चला। तो उसके बाद फिर हम लास्ट में इसको ऑयल पी इसका चेंज किए, तब जाके ये सही हुआ। अभी देखिए फ्रिज बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। पहले क्या होता था कि
फर्स्ट टाइम ऑन करने के बाद 12 या 15 मिनट चलता था, फिर ऑफ हो जाता था। फिर 5 या 10 मिनट के बाद जब इसका ऑयल भी ठंडा होता था तो वापस सप्लाई देता था, और फिर ट्रिप तुरंत जस्ट मतलब 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड में नहीं 1 सेकंड में ट्रिप हो जाता था। फिर वैसे 45 सेकंड के बाद पावर सप्लाई आया, फिर से ट्रिप। तो हमने लास्ट में उसका चेंज कर दिया ऑयल पे, और ये भी देखिए ये बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं आ रही है। इसे का भी कूलिंग बहुत अच्छे से है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कूलिंग अच्छे से दे रहा है। तो ऐसा क्रिटिकल कंडीशन अगर आ जाए तो आप इस प्रकार से सही कर सकते हैं। और हाँ, हमारे जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे एक क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं इस पर जो मॉइस्चर आ रहा, पानी जम जा रहा है इस पर, ये देखिए, और इसके ये वाले विंडो में भी पानी जम रहा है। आज किस साइड में मॉइस्चर आ रहा है देखिए, ये साइड मॉइस्चर आ रहा है और इस साइड मॉइस्चर पूरा इधर आता है, अभी तो नहीं आया, लाइट कटा हुआ था, देर से भी आया है। और ये जो वॉल है ये ठंडा है, क्योंकि कस्टमर हमें पहले बताए थे कि वॉल जो है गर्म रहता था। तो अगर हमारे सब्सक्राइबर को अगर इसकी जानकारी हो कि किस वजह से आ रहा है तो हमें ज़रूर कमेंट में इसका आंसर दें, हम वेट करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, बुरी लगे तो डिसलाइक करें, और ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। थैंक यू।